आइए चलते हैं। कि आज हम जानेंगे कि क्या है मल्टी लेवल मार्केटिंग और क्या है इसकी सच्चाई। तो दोस्तों आप ये समझो, इसमें कोई भी डाउट नहीं, इसमें कोई भी शक नहीं कि जब हम बात करते हैं दुनिया में पैसा कमाने की या दुनिया में बिजनेस करने की, तो मार्केट के अंदर आप उठा के चेक करना, अपने आस में, पड़ोस में, दूर में, दराज में पैसा वही बनाया है जो आज फ्रेंचाइजी सिस्टम पे या एजेंसी सिस्टम पे काम करता है। आप चेक करना, टाटा हो, चाहे बाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कुछ भी हो, आपके हाथ में जो एप्पल का आईफोन है तो यूएस बेस्ड कंपनी का आईफोन यहाँ कैसे आया? थ्रू आउट फ्रेंचाइजी, थ्रू आउट एजेंसी। सेम ऐसे ही आपके घर में सोनी की टीवी है, जापान की कंपनी है, आपके घर में पहुंची कैसी? एजेंसी के माध्यम से। दुनिया का एक भी इंसान बिना फ्रेंचाइजी बांटे पैसा नहीं बनाया है, अमीर नहीं बना है। सो, जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि बिना एजेंसी सिस्टम के कोई अमीर नहीं बना, तो हर व्यक्ति वही किया। एक एग्जांपल मैं बाटा का लेता हूं कि मान लेते हैं बाटा के शूज बहुत अच्छे थे, लेकिन एक जगह शॉप था, एक जगह उसका मोची था, एक जगह मैन्युफैक्चरर था, लोग वहां पे जाते और बाटा के जूता खरीदते। एक समय के बाद बाटा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे आई और एजेंसी बांटना शुरू किया और पूरे हिंदुस्तान में 10,000 एजेंसी बांट दी। मान लेता हूं उनमें से एक एजेंसी आपकी है और आपका नाम है गुड्डू और एक एजेंसी है मेरी, मेरा नाम है अखिलेश। जब बाटा ने 10,000 एजेंसी बांटी, एक गुड्डू की, एक अखिलेश की, अब सोचिए 10,000 एजेंसी वाले एजेंसी लेके क्या करेंगे? यानी आप गुड्डू, आप एजेंसी लेके क्या करोगे या मैं अखिलेश एजेंसी लेके क्या करूंगा? हम दोनों लोग अपना एजेंसी 10 घंटे खोलेंगे। जब हम 10 घंटे बाटा का वो शोरूम या एजेंसी खोलेंगे तो 10 घंटे का हमें पैसा आएगा, लेकिन सेम टाइम में बाटा ने हमारे जैसे 10,000 एजेंसी बांट रखे हैं। यदि 10,000 दुकानें 10 घंटे रोज खुलती हैं तो 10,000 × 10 100,000 घंटे काम किसके लिए हुआ? बाटा के लिए। इसलिए बाटा वाला पैसा बनाया। ठीक वैसे एजेंसी सिस्टम में या फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के अंदर पैसा लोग क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो लोग टाइम को कंपाउंड करते हैं, काम वो नहीं करते, उनके लिए लोग काम करते हैं। अच्छा, टाइम कंपाउंड करने वालों को मिलता क्या है? अब देखते हैं बाटा के मालिक को क्या मिलता है। सबसे पहले टाइम। टाइम क्यों? क्योंकि उसके लिए लोग, हम आप काम करें, 100,000 घंटे रोज काम हो रहा है ना, बहुत टाइम है बंदे के पास। नंबर टू, पैसा, बहुत सारा पैसा। वो काम करे न करे पैसे आते रहेंगे। अभी पुराने पीछे हमने देखा कि सहारा श्री, यानी सहारा के जो मालिक हैं, वो काफी समय से जेल में रहे, उसके बावजूद उनको पैसे आ रहे थे क्योंकि काम वो नहीं करते थे। आज विजय माल्या यहाँ से देश छोड़ के जा चुका है हमारे कंट्री से, उसके बावजूद पिछले कई सालों से उनके जो ब्रांड्स हैं, चाहे वाइन के ब्रांड हो, चाहे वाटर के ब्रांड हो, किंगफिशर के, आज भी सेल हो रहे हैं, आज भी उनको पैसे जा रहे हैं। ये एकदम बेस्ट एग्जांपल है टाइम कंपाउंड का, कि इनके पास टाइम भी होता है और इनके पास में पैसा भी होता है, क्योंकि वो ना काम करते, उनके लिए लोग काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो तीसरी चीज़ इनको मिलती है, वो है सिक्योरिटी। यस, इनको एक सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? कि वो काम करें चाहे ना करें, उनके घर में पैसे आते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अंबानी जी चले गए, उनके बच्चे और पैसे वाले हो गए। क्यों? क्योंकि वो नहीं काम करते, उनके लिए लोग काम कर रहे थे। तो यदि आपके दिमाग में भ्रम है कि आप किसी कंपनी के टॉप मोस्ट मैनेजमेंट में हैं, आपके भ्रम है कि आप किसी कंपनी के आप स्टेट हेड हैं, क्लस्टर हेड हैं, तो आप सेफ हैं, आप सक्सेस हैं, भूल जाओ। सक्सेस का सिंपल पैरामीटर है, यदि आपके पास में ये तीनों चीज है, टाइम, मनी और सिक्योरिटी, तब तो आप सक्सेस हैं। और यदि तीनों एक साथ नहीं, तो आप सक्सेस नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब हम बेरोजगार होते हैं, हमारे पास ढेर सारा समय होता है लेकिन पैसा नहीं होता, और जैसे हम काम पे लगते हैं, तुम्हारे पास पैसा कुछ आना शुरू होता है, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। आज एक डॉक्टर को, इंजीनियर, किसी को बोल दो चला घूमने चलते हैं एक महीने के लिए, जाएगा क्या? धंधा खत्म उसका। और सिक्योरिटी तो किसी के पास नहीं है। क्यों? आज मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मेरी वाइफ नहीं है। यदि मैं निपट गया तो मेरे घर में आज से इनकम आनी बंद। जब तक आप लोग वीडियो देखोगे, कुछ ना कुछ इसका आता रहेगा। आज मैं यदि नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं यदि मल्टी लेवल मार्केटिंग करता हूं, तो ये नॉलेज मेरी है, नॉट मेरी वाइफ की। यदि मैंने अपने वाइफ को ट्रेंड नहीं किया, गलती से मैं निकल लिया, प्लान कौन दिखाएगा? यानी दुनिया का कोई व्यवसाय हो, यदि आपकी वजह से बिजनेस चल रहा है, तो आज के आज उसको छोड़िए। क्योंकि आप ना हो, यदि तब बिजनेस चले, तब आप मतलब टाइम को कंपाउंड कर रहे हैं। अब इस गेम को समझते हैं।
ये जो गेम था ना कि बिना फ्रेंचाइजी के बिना एजेंसी के पैसा नहीं आता, ये गेम किसको समझ में आ गया? गुड्डू को। गुड्डू को लगता है यार ये तो कमाल का सिस्टम है, टाटा बाटा रिलायंस सब ऐसे करते हैं। गेम समझ में आ गया, मुझे भी टाइम मनी सिक्योरिटी चाहिए और मुझे भी तीनों चीज़ चाहिए, तो मुझे भी क्या बांटना होगा एजेंसी, और मैं भी आगे बाटा की एजेंसी बांटूंगा। और ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 100 एजेंसी बांट दूंगा। अब आप सोचो यदि बाटा की 100 एजेंसी गुड्डू ने बांटा होता तो 100 एजेंसी 10-10 घंटे खुलेंगे, तो 100 दहा में 1000 घंटे काम हुआ किसके लिए? गुड्डू के लिए। अब गुड्डू के पास भी टाइम मनी सिक्योरिटी है, गुड्डू 2 महीने घूम के आ सकता है बैंकॉक, उसके इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम को कंपाउंड करा, उसके लिए 100 दुकानें रोज खुलती हैं। लेकिन समस्या क्या है? बाटा बोलता है खबरदार, गुड्डू या अखिलेश या पप्पू कोई भी व्यक्ति इसकी एजेंसी नहीं बांट सकता, ये एजेंसी मेरी है, इसका राइट मेरे पास है, तो एजेंसी कौन बांटेगा? मैं। यस, ट्रेडिशनल किसी भी व्यवसाय में आप चाह के भी उस कंपनी की एजेंसी नहीं बांट सकते, क्योंकि एजेंसी बांटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास होता, वो है कंपनी का मालिक। एजेंसी बांटेगी टाटा, एजेंसी बांटेगी बाटा, एजेंसी बांटेगी रिलायंस, गुड्डू या अखिलेश एजेंसी नहीं बांट सकते। और इस सिस्टम को बोलते हैं SLM, जिसको बोलते हैं सिंगल लेबल मार्केटिंग, या सिंगल लेबल मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड SLM। दिमाग में घुसाना, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल लेबल मार्केटिंग, बिकॉज इसमें एक सिंगल आदमी के पास मार्केटिंग करने का अधिकार होता है, वो कौन है? बाटा टाटा के पास, हमारे आप पास नहीं है, गुड्डू के पास नहीं है, अखिलेश के पास नहीं है, राइट? दिस इज कॉल्ड SLM। तो दोस्तों 21वीं सदी में यही बैरियर तोड़ दिया गया। यदि क्षमता है गुड्डू का तो क्यों नहीं 100 एजेंसी बांटे? गुड्डू बांट सकता है। गुड्डू ने 100 एजेंसी बांटी, उसमें से एक एजेंसी राहुल के पास थी, राहुल को भी गेम समझ में आ गया, राहुल बोलता मैं भी एजेंसी बांटूंगा, राहुल ने 1000 एजेंसी बांट दी। अब 1000 एजेंसी यदि 10 घंटे खुले तो एक दिन में कितना काम हुआ? 10000 घंटे। अब राहुल भी टाइम मनी सिक्योरिटी आ चुका, राहुल भी फ्री है। यदि राहुल ने कल बांट दिया किसी गोलू को तो गोलू भी आगे फ्रेंचाइजी बांटेगा। मतलब ये कि 21वीं सदी के बिजनेस में ये फ्रीडम मिलता है कि जिसकी भी जितनी क्षमता हो वो उतनी फ्रेंचाइजी बांट सकता है। इवन ये वीडियो देखते हुए आपकी क्षमता है, आप भी एजेंसी बांटो, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको कम से कम ये दोस्तों समझ में आ चुका है कि बिना एजेंसी बांटे कोई व्यक्ति पैसा नहीं बना सकता, तो आप भी नहीं बना सकते। यदि आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में हो, एजेंसी बिजनेस में हो, तो ही पैसा आता है। जो लोग कर रहे हैं पहले से, वो अमीर अमीर होते क्यों जा रहे हैं? वो डेली फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। सोच सकते हो, टाटा ट्रक बेच रही है, कार बेच रही है, तो 10 रुपए का नमक क्यों बेच रही है यार? बिकॉज उनको अपने टाइम को कंपाउंड करना है, और हमें आपको शर्म आती है काम करने में? आई डोंट नो कि आपका माइंडसेट क्या यार। तो दिस इज कॉल्ड, तो 21वीं सदी में जो ये आया सिस्टम कि जिसकी क्षमता वो फ्रेंचाइजी बांट सकता है, वो एजेंसी बांट सकता है, दोस्तों इसी बिजनेस को बोलते हैं MLM, मल्टी लेबल मार्केटिंग। यस, मल्टी लेबल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि वो SLM क्यों था? सिंगल लेबल मार्केटिंग, सिंगल एक आदमी के पास फ्रेंचाइजी बांटने का अधिकार था, दैट इज बाटा टाटा। नाउ मल्टीपल लोगों के पास में राइट है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो दोस्तों उस बिजनेस में जो टाटा बाटा रिलायंस करते आ रहे हैं और जो मैं आपको समझा रहा हूं, दोनों में अंतर क्या? सिर्फ एक अंतर दो, कि जो राइट उन लोगों ने हमसे आपसे छीन रखा था, वो राइट आज हमारे हाथ में है। यदि वीडियो देखने के बाद में आपको स्वर्ण में आया कि आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप फ्रेंचाइजी बांट सकते हो थ्रू आउट मल्टी लेवल मार्केटिंग किसी भी कंपनी का, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको सोचना चाहिए कि काम गलत है या सही है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, सिंगल लेवल मार्केटिंग में कोई अंतर नहीं है। सिंगल लेवल मार्केटिंग 50 साल पुराना बिजनेस है, 50 साल पुराना बिजनेस करने का तरीका है। सिंगल लेवल मार्केटिंग में मार्केटिंग करने का राइट सिर्फ एक व्यक्ति के पास होता है, इसलिए एक व्यक्ति अमीर होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यवसाय है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टीपल लोगों के पास में राइट होता को फ्रेंचाइजी बांटे। सिंपल सा ये बिजनेस है MLM और SLM का डिफरेंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये जो MLM है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसी को कुछ और नाम से जाना जाता है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग। Yes, आप यदि आज के बाद कहीं मेरे दोस्त सुनोगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, तो आप समझ जाना क्या है। आप सुनते हो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आप सुनते हो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, सारा एक ही को बोलते हैं। बस इतना समझना
यदि MLM है, यदि नेटवर्किंग है, यदि डायरेक्ट सेलिंग है, तो आपके हाथ में उस बिजनेस के द्वारा एजेंसी बांटने का अधिकार मिलता है और आप भी इक्विवेलेंट होते हैं टाटा बाटा रिलायंस के अधिकार क्षेत्र में। जैसे एग्जांपल मैं दूं, मैं इसमें जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, मैंने 1 अगस्त को उसमें काम शुरू किया, 1 अगस्त 2018 की बात कर रहा हूं। सो आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 26 अक्टूबर को, मैंने 22 लोग को ज्वाइन कराया था, मैंने 22 एजेंसी बांटी थी। उस 22 एजेंसी में से लगभग 7 एजेंसी वाले आगे एजेंसी बांटना शुरू किया, यानी उन लोगों ने काम करना शुरू किया। इस तरीके से 2.5 महीने के फ्रेम के अंदर लगभग 4,000 लोग मेरे टीम में आ चुके हैं, यानी कोई एजेंसी बांट रहा है उनमें से लगभग, मैं मान लेता हूँ 4,000 का 10% सिर्फ 400 लोग यदि एक्टिव हों, जो मैं आपको MLM समझा रहा हूँ, यदि यही MLM 2 घंटे 400 लोग रोज समझाएं, तो एक दिन में 800 घंटे काम होता है मेरे लिए। सिर्फ 2.5 महीने के अंदर ये बिजनेस चला गया। तो 800 घंटे जो रोज काम हो दोस्त, पैसा उसको ज़्यादा आएगा या आपको आएगा जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, अपने फादर को भी इंक्लूड कर लो, अपनी वाइफ को भी इंक्लूड कर दो, तो 8 घंटे आप, 8 घंटे आपके फादर, 8 घंटे आपकी वाइफ, 8 × 3 = 24 और आपके घर के लिए एक दिन में काम होता है। मेरे लिए 800 घंटे एक दिन में काम होता है दोस्त, पैसे मैं बनाऊंगा। दिस इज सिंपल MLM। मेरे पास टाइम है, मेरे पास सिक्योरिटी है, मेरे पास मनी है, क्योंकि मैं टाइम को कंपाउंड करता हूं, मैं मेहनत नहीं करता। मैं मेहनत करता हूं लेकिन टाइम कंपाउंडिंग में हेल्प के लिए। मैं लकीर का फकीर नहीं हूं कि पढ़ाई कर लिया तो नौकरी ही करनी, क्योंकि नौकरी हमें 8 घंटे 12 घंटे की बाउंडेशन देती है, नौकरी में फ्रीडम नहीं देती दोस्तों। तो होप आपको यह समझ में आया होगा कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, आने वाले टाइम में एक से एक फ्रेमवर्क मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री में आप बड़े पैसे बना सकते हैं दोस्तों। तो देखते रहिए मेरे इस चैनल को, आगे बहुत एक्साइटिंग वीडियो जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बाय करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।